तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में चार अक्षरों वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ना सीखा था। कुछ और नए शब्दों का अभ्यास करके हम अक्षरों से शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे ब, र, त, न, तो हमारा शब्द बनेगा ब, र, त और न। तो हम मिलाकर इस तरह से लिखेंगे और शब्द बन गया बर्तन। उसके बाद है उ प्लस प प्लस व प्लस न, इनको मिलाकर लिखते हैं उपवन। उसके बाद है क प्लस स प्लस र प्लस त, तो शब्द क्या बनेगा कसरत। कसरत मतलब एक्सरसाइज। उसके बाद ट प्लस म प्लस ट प्लस म, इनको भी हम मिलाकर लिखेंगे और शब्द बनेगा टमटम। प प्लस न प्लस घ प्लस ट, पनघट। स प्लस र प्लस ग प्लस म, सरगम। ख प्लस ट प्लस म प्लस ल, खटमल। उ प्लस ब प्लस ट प्लस न, उबटन। अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, अजगर। प्लस के चिन्ह को हिंदी में अधिक भी कहते हैं, जैसे आगे पढ़कर बताती हूँ किस तरह से। न अधिक ट अधिक ख अधिक ट, तो नटखट। यानी प्लस की जगह भी मैंने अधिक बोला, तो जो प्लस का आपका साइन है उसे हिंदी में अधिक कहते हैं। अ अधिक द अधिक र अधिक क, अदरक। झ अधिक ट अधिक प अधिक ट, झटपट। अ अधिक क अधिक ब अधिक र, अकबर। ब अधिक र अधिक ग अधिक द, बरगद। द अधिक श अधिक र अधिक थ, तो शब्द बन गया दश रथ। तो इस तरह से हमने ये चार अक्षरों वाले शब्दों को अभ्यास करके लिखना और पढ़ना सीखा। अब हम लिखेंगे श्रुत लेखन। जैसा मैंने पहले भी बताया था, श्रुत लेखन अर्थात सुनकर लिखना। तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे शलगम, सिर्फ शब्द का उच्चारण किया जाएगा, आपको अच्छी तरह से सुनना है और लिखना है। तो एक बार आप ये देखकर लिखिए, दूसरी बार आपके पेरेंट्स को या आपके ब्रदर या सिस्टर्स जो भी हो घर पर, उनको बोलिए कि वो इन शब्दों को बोलें और आप लिखिए। शलगम, गड़बड़, हलचल। सरपट, कटहल। गर्दन, शबनम, पलटन। तरकश, बचपन। तो यह था श्रुत लेखन, अर्थात ध्यान से सुनना और लिखना। उसके बाद सुलेख, सुलेख अर्थात सुंदर लेखन। तो इस तरह से आपको यह सुलेख लिखना है। शबनम,
पनघट पर चल बर्तन भर दशरथ नटखट मत बन अहमद सर्कस चल सज धज कर सर्कस चल मन उपवन तक चल कसरत कर अनवर बरगद पर मत चढ़ झटपट कर बर्तन उधर रख गड़बड़ मत कर अदरक चख टम टम पर चढ़। तो ये था आपका श्रुत लेख। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और साफ सुथरी और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम 2, 3 और 4 अक्षरों के शब्दों का पुनरावर्तन करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे मात्राएं सीखेंगे। तो तब तक के लिए आपको जो आज का कार्य दिया गया है वह आपको भली भांति आपकी हिंदी की नोटबुक में पूरा करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।